किसी भी व्यक्ति के जीवन में नवग्रहों का बहुत असर पड़ता है, इसलिए इन ग्रहों की पूजा की जाती है। आपको बता दें कि शास्त्रों में नौ ग्रहों का जिक्र किया गया है और इन ग्रहों को नवग्रह कहा जाता है। शास्त्रों में बताए गए इन नवग्रहों के नाम सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु हैं। व्यक्ति के नाम, जन्म तारीख, समय और जन्म स्थान के आधार पर उसकी कुंडली बनाई जाती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवनीश शर्मा और आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम आस्था की परिक्रमा में। आज इस खास कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि कैसे करें नौ ग्रहों की पूजा। नवग्रह पूजन से कोई एक ग्रह नहीं बल्कि पूरे नौ ग्रह प्रसन्न होते हैं और आपको एक साथ नौ ग्रहों की कृपा प्राप्त होती है। अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह नीच या अशुभ स्थान पर होकर बुरा प्रभाव डाल रहा है और उसके कारण आपके जीवन में अनेक कठिनाइयां आ रही हैं, तो आपको नवग्रह पूजन अवश्य कराना चाहिए। नवग्रह पूजन की सबसे खास बात यह है कि इसे कोई भी करवा सकता है। इस पूजन से आपकी कुंडली के सभी दोष शांत होते हैं। सुख समृद्धि और मान सम्मान की प्राप्ति के लिए आप नवग्रह पूजन करवा सकते हैं। नवग्रह पूजा अथवा अनुष्ठान कराने से आपके महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होते हैं। इस पूजन के प्रभाव से आपके जितने भी रुके हुए काम हैं वो पूरे हो जाते हैं। शारीरिक और मानसिक चिंताएं दूर होती हैं। नौकरी, करियर और जीवन में आ रही सभी प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं। सर्वप्रथम सभी नवग्रहों का आह्वान किया जाता है। इसके बाद उनकी स्थापना की जाती है। फिर बाएं हाथ से मंत्रोच्चारण करते हुए दाएं हाथ से अक्षत और पुष्प अर्पित करते हुए ग्रहों का आह्वान किया जाता है। ओम भू भूर्व स्वाहा यमुनात्र रोद्र अत्राय गोत्र शुक्ल वर्ण भो सोम यहा गच्छ इतिष्ठ। स्थापना करने के पश्चात हाथ में अक्षत लेकर मंत्र बोलते हुए नवग्रह मंडल में प्रतिष्ठा के लिए फूल अर्पित करें। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मैं अवनीश शर्मा फिर लेकर आऊंगा आस्था की परिक्रमा के दर्शकों के लिए धर्म और आस्था से जुड़े नए विषय। तब तक के लिए लेता हूं आप सभी से इजाजत। इस कार्यक्रम को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।